Okay, hi everyone. So today let's discuss one interesting problem from H.C. Verma. What it says, a body starts slipping down an incline and moves half meter in half second. How long will it take to move the next half meter? So initially ye start karta hai. So is tarah se ek incline plane hai jahan pe koi body rakhi hui hai ya fir aap block maan lo kisi angle theta pe aur ye jo block hai ab ye start karta hai means initial time mein t is equal to 0 pe u is equal to 0 se स्टार्ट करता है स्लिप करना. देन इट्स गिवन कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, हाफ मीटर यू कैन से एस इज इक्वल टू हाफ मीटर इन टाइम टी इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड्स. सो हाफ सेकेंड्स, राइट? सो कैन वी फाइंड आउट द एक्सेलरेशन फ्रॉम हियर, बिकॉज वी ऑलरेडी नो द इनिशियल वेलोसिटी ऑल्सो, राइट? सो वी कैन इजिली फाइंड आउट द एक्सेलरेशन बाय यूजिंग एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. सो एस कितना होगा, 0.5 और यू कैन से हाफ. UT is 0, so half into acceleration, that is, we have to find out into t square, t is half, so half square, so how much is this, half se half cancel, a is coming out to be, ye 1 hai, a is coming out to be 4 meter per second square. Once you got the value of acceleration, now you have to find out ki how much time it will take to travel further half meter. Matlab agar main baat karun ki time t is equal to 0 se, maan lo t is equal to t pe, time t is equal to t pe wo finally फर्दर हाफ मीटर और मूव कर जाता है. वॉट डज दैट मीन कि टोटल डिस्टेंस कितना मूव कर जाएगा, 1 मीटर. देखो जीरो से हाफ सेकेंड में वो कितना मूव कर गया, हाफ मीटर. फर्दर आप देखो हाफ सेकेंड से लेकर के, मतलब टी इज इक्वल टू हाफ से लेकर के, हाफ सेकेंड से लेकर के टाइम टी इज इक्वल टू टी पे फर्दर हाफ मूव कर गया, तो टी इज इक्वल टू जीरो से टी इज इक्वल टू टी पे 1 मीटर मूव कर जाएगा, राइट? सो लेट्स फाइंड आउट. सो अगेन एस कितना हो जाएगा, 1 इज इक्वल टू यू अगेन 0 प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. सो दैट विल बी 1, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन इज 4 इंटू टी स्क्वायर. सो देखो यहाँ से टी कितना आ रहा है, टी इज कमिंग आउट टू बी 1/√2. और हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव नेक्स्ट हाफ मीटर, सो नेक्स्ट हाफ मीटर टाइम ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा उसको, 1/√2 - 0.5, राइट? देखो वॉट आई वॉन्ट टू से कि उसने टाइम टी इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट किया और टाइम टी इज इक्वल टू हाफ सेकेंड पे हाफ मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, राइट? नाउ आई एम सेइंग कि टी इज इक्वल टू टी पे फर्दर हाफ मीटर का डिस्टेंस उसने ट्रेवल कर लिया. सो 0 से टी तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 1 मीटर. सो मैंने 0 से टी निकाला, तो ये टी का जो वैल्यू आया वो 1/√2 आया. अब मुझे ये वाला टाइम निकालना है कि इनके बीच में कितना टाइम लगा, तो 1/√2 - 1/2, दैट्स द टाइम, है ना? इस तरह से निकाल सकते हैं. सो दैट आंसर क्या होगा, 1/√2 - 1/2, दिस इज योर आंसर. और इसे रैशनलाइज करोगे सो ऊपर रूट टू कर दो और नीचे 2 कर दो, √2 - 1/2. ये तो एक मेथड है. सेकंड मेथड क्या है इसका निकालने का, देखो अगर आप यू नो यही कंसीडर करना चाहते हो कि t इज इक्वल टू हाफ से लेकर के t इज इक्वल टू कुछ t पर उसने फर्दर हाफ मीटर मूव किया, तब कैसे करेंगे? यहाँ पे आपको अब इनिशियल वेलोसिटी चाहिए रहेगा. देखो आप क्या निकालना चाहते हो, टी निकालना चाहते हो. एस आपको पता है, यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर लगाओगे टाइम टी इज इक्वल टू हाफ से लेकर टी इज इक्वल टू टी तक. सो एस कितना हो जाएगा इस बार, हाफ. इनिशियल वेलोसिटी देखो यहाँ पे 0 नहीं है, पहले 0 थी. जब आप टी इज इक्वल टू 0 से इक्वेशन अप्लाई करते हो तो आपको इनिशियल वेलोसिटी 0 कंसिडर कर सकते हो, तो आपका एक पार्ट एलिमिनेट हो जाता है. बट टी इज इक्वल टू हाफ पे व्हाट्स द इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालोगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से. टाइम t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू हाफ तक यू हैव टू अप्लाई दिस इक्वेशन, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. अब यहाँ पे 0 हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन अगेन 4 इंटू टाइम इज 0.5, है ना, हाफ सेकंड. सो हाउ मच इज दिस, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी अब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी, सॉरी 2 मीटर पर सेकंड, है ना, यूनिट ऑफ वेलोसिटी. सो इस बार u होगा 2 इंटू टाइम हमें निकालना है प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर. ए कितना है, अगेन ए कॉन्स्टेंट रहेगा विच इज 4 इंटू टी स्क्वायर. सो यहाँ से चेक करो कि आपका टी कितना आ रहा है, 2t² + 2t, दैट शुड बी इक्वल टू हाफ और -0.5, दैट शुड बी इक्वल टू 0. सो एस कितना, टाइम कैसे निकालेंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी 0.5, है ना, तो ये प्लस हो जाएगा अपॉन 2a, 2 into a 4. सो इट्स कमिंग आउट टू बी, और ये कितना हो गया, ये 4 + 4 = 8, सो 2√2 हो गया. प्लस माइनस, -2/4. सो ये माइनस वाला साइन हम नहीं लेंगे बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव.
कितना आ रहा है चेक करो, ये आ रहा है 2, एक कैंसिल हो जाएगा, सो रूट 2 - 1/2 आ रहा है आंसर। ऊपर वाला भी सेम आ रहा था, चेक करो। ओके, √2 - 1/2। सो इस तरह से ना हम टाइम निकाल सकते हैं बाय दिस टू मेथड। मैं यू नो जनरली जो पुराना वाला मेथड है, ऊपर जो हमने डिस्कस किया ये वाला, ये प्रेफर करता हूँ, है ना, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी हम ऑलवेज जीरो कंसिडर कर सकते हैं, तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाता है एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80² में, है ना। अगर इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो देन एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 80² सो वो लगाना ज़्यादा आसान होता है। फर्दर इसमें और अगर मैं कहूं कि एक्सेलरेशन यू हैव ऑलरेडी फाइंड आउट 4 m/s², कैन यू फाइंड आउट द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, क्या ये थीटा निकाल सकते हैं हम। देखो ए अगर पता है तो ए कितना होता है, जी साइन थीटा माइनस म्यू इंटू कॉस थीटा होता है, राइट, दैट्स इक्वल टू 4। बट देखो यहाँ पे दो वेरिएबल आ गए, एक थीटा भी आ गया और एक म्यू भी आ गया, सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, टू फाइंड टू वेरिएबल फ्रॉम वन इक्वेशन। तो आपको एक वेरिएबल वो प्रोवाइड करेगा एंड सेकेंड वेरिएबल देन यू कैन इजिली फाइंड आउट, और मे बी ही कैन गिव यू कि द यू नो इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ, देन इन दैट केस म्यू विल बिकम जीरो एंड वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ थीटा एज, थीटा कितना होगा, साइन इनवर्स 4/g, और ये कौन से 4/9.8 ले लो या 10 ले लो, है ना। इस तरह से थीटा भी निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड ही हैज़ गिवन यू दैट द इंक्लाइन प्लेन इज स्मूथ। ओके फाइन, आई होप इट्स क्लियर। If you have any confusion or want to discuss anything, we can discuss in the Telegram. Okay, guys, keep working hard. Best of luck.